हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड बुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसे अपने इफ्तार में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 500 ग्राम्स कीमा, यानी कि मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर छन्नी में रख दिया था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, जिसे इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। नेक्स्ट इसमें अब मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही में इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं इसमें टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट एक चम्मच इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने, आप इसके जगह धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया और पुदीना। तो बस इन सभी चीज़ों को और कुछ मसाले आपको डाल देना है, झटपट से मिला लेना है। नेक्स्ट इसमें मैं एक अंडा डाल देती हूँ, अंडे से जो है कबाब में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और अब आधा किलो कीमे के लिए मैं यहाँ पर एक कप बेसन डाल रही हूँ, तो आधा किलो कीमे के लिए एक कप बेसन काफ़ी होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें हल्की सी नमी है, तो आप बेसन की क्वांटिटी में थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे के लिए एक कप बेसन काफ़ी था, इसलिए मैंने और ऐड नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम झटपट से कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल हाथों में चिपकते नहीं हैं, आपको हाथों में तेल पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए शेप कर लेंगे कबाब का। तो थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाइए, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, क्योंकि कीवे में थोड़ा सा फैट होता है, जिसकी वजह से कबाब का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे कबाब का शेप देते हुए सभी को बना लूँगी। और आप इस तरह से कबाब बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, और इफ्तार के वक्त आप उसे फ्राई कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा झटपट है, आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी सभी टिक्की बनके तैयार हो गई है। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और जैसे ही तेल गरम हो जाता है इसमें हम एक एक करके टिक्की डाल देंगे। आप चाहे तो इन टिक्की का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, और जो बर्गर बंस आते हैं उसमें बर्गर की तरह भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो देखिए इसे हम दोनों साइड से पलट पलट के सेक लेंगे। तो ये जो कबाब है फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लेते हैं, और ये काफ़ी क्रिस्प होते हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इन कबाब की रेसिपीज़ को अपने इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिए, या फिर ईद भी आ रही है तो दावत के मेन्यू में आप इसे एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाते हैं, और कबाब तो सभी को पसंद होते हैं। इसे आप पराठे के साथ सर्व कीजिए, डबल रोटी के साथ सर्व कीजिए, ब्रेड के साथ सर्व कीजिए, यहाँ तक कि कबाब जो है दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।